इस समय हम सरप्राइजेज में हैं और मेरे साथ इंजीनियर हैं अमित। और ये देखिए, सबसे पहले ये आपका माउंट कैलोरीमीटर है जो आपके कॉलेज में आया हुआ है डिब्रेट पोर्ट ब्लेयर में। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको इस ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। और जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास नहीं होगा तब तक ही नहीं चलेगा। लगभग ये 5-6 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर है और 15 से 20 सैंपल इसमें होते हैं। ये की है और ये इसका गैस रेगुलेटर है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर चाहिए हमें, और ये हमें सप्लाई किया गया है, जैसे कि हमें बताया गया है। यस, सप्लाई किया गया है। तो पहले आप वायरिंग देख रहे हैं, ये वायरिंग यहाँ से यहाँ जा रही है और ये इधर आएगी। इसका नाम क्या है? प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज है जो कि आपको बताएगा कितना ऑक्सीजन का प्रेशर आ रहा है। और जैसा हमें बताया गया कि हमें मैक्सिमम प्रेशर 400 तक ही रखना है, 400 पे आके इसको रोक देना है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके प्रेशर गेज तक एक कॉपर की वायरिंग मिलेगी, हमारे पास रबड़ की वायरिंग नहीं है। यहाँ तक हमारी एग्जैक्ट सेम है। अगर आप पीछे देखें तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये है, ये एक स्टैंड है, ये सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस है। इसका क्या रोल है? इसका रोल है, इट मीन्स कि अगर आपकी गैस 600 से एक्सीड जाती है तो यहाँ से एक छोटा सा ब्रस्ट होगा, देन आपके बॉम्ब को कोई हार्म नहीं होगा, सारी गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ओके, यानी 600 से ज़्यादा अगर जाती है तो यहाँ ऑटोमेटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा, सेफ्टी वॉल्व है। यहाँ तक यह, यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वायरिंग है वो कॉपर ट्यूबिंग है। और ये सीधे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंड है आपका, ये आपके बॉम्ब में जाएगा। ये जो लास्ट एंड है ऑक्सीजन का, ये आपका बॉम्ब के अंदर जाएगा, इनलेट है। और इसे चढ़ाने से पहले इसमें एक छोटी सी गास्केट भी है, वो गास्केट रहेगी। ये देखिए, ये वो गास्केट है, हमारे दी गई हैं 2-3 गास्केट दी गई हैं, चढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, ओके। ये इस तरीके से एक कंटेनर बोलेंगे जिसके अंदर पानी को भरा जाता है। 2 लीटर इसके अंदर पानी भरना है अप्रॉक्सीमेटली। अंदर आप देखेंगे कि एक हुक है, ये देखिए, ये नीचे फुट फिट होगा इसी तरह के एक हुक में। और ये देखिए, इसमें फिट कर दिया गया है, पानी भर के रखा गया है, लगभग 2 लीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर भी यहाँ तक मार्किंग है। ये जो थ्रेड आपका है ना, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक रखना है। इससे ऊपर आप करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, जिस विच इज़ नॉट गुड फ्लक्चुएशन के लिए। इसको आपको फिट कर देना है। और ये देखिए, रेड और ब्लैक वायर आपको दिख रहे हैं, जो पीछे से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। इस यूनिट को देखिए, ये जो यूनिट है ये सामने से ऐसे दिखती है, ठीक है। और इसके बैक साइड में देखेंगे तो ये देखिए, ये प्लग हैं ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ़ करने के लिए। इधर आपका लिखा हुआ है रेड और वाइट, तो रेड के अंदर रेड प्लास्टिक है, वाइट के अंदर ब्लैक के अंदर ब्लैक प्लास्टिक है। और ये वायरिंग जो आ रही है बम के अंदर आ रही है, आप देखिए अंदर कैसे लगा रहे हैं अमित। यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है अंदर रेड और ब्लैक का, तो कोई किसी में भी जा सकता है। और ये बैकलाइट का आपका लिड है, इसको आपने इस तरीके से ऑफ कर दिया है। ये आप प्लेस कर रहे हैं स्टरर को, जिससे पानी को स्टरर किया जा सके, ये देखिए। और ये साइड में जो थ्रेड है, ये इससे इसको टाइट कर दिया जाएगा, ये अपनी पोजिशन पर स्टेबल रहेगा। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर चला गया, जो कि चेंज इन टेम्परेचर को बताएगा। और यहाँ तक का हमारा सिस्टम रेडी है। ये देखिए, ये आपका शुरू में इनिशियल टेम्परेचर आपको देखना है कि अंदर बकेट के अंदर क्या रूम टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर क्या है। और फिर बाद में आपको क्या है, राइस टेम्परेचर करके उसको जीरो पे लाके, ये देखिए, ये जीरो पे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जीरो पे लेके आएंगे, उसके बाद ही हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आ गया। तो ये क्या 360 डिग्री घूमता है जीरो वाला? हाँ, 360 है ना, एक लास्ट पॉइंट है, एक उधर का लास्ट पॉइंट है। ओके, इसी बीच में हमें सेट करना है, बट अभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अभी और अभी भी क्या है, ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो ये ग्रीन लाइट जलेगी। नहीं, सर्किट कंप्लीट है तो रेड है, इनकम्प्लीट होगा तो ग्रीन जलेगी। बट अभी हमने नेक्रोम वायर नहीं लगाया, इसलिए कोई इसमें फर्क नहीं।
ओके, जब आप नेक्रोम वायर लगाएंगे तब वो ग्रीन होगा। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं नेक्रोम वायर कैसे लगाते हैं। तो ना उसको अंदर और वो चूड़ी लेना। तो ये हम नाइक्रोम वायर लगाने के लिए इस तरीके से आप स्क्रू खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको उस पर फिट किया है। और अगर आप पास से देखेंगे तो इसमें ये नॉच बने हैं दो, ये निशान है, यस, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे हमारा लगभग और लगभग कितने मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हमें नाइक्रोम वायर बांधेंगे। ये देखिए ये हम 8 सेंटीमीटर का नाइक्रोम वायर बांध रहे हैं। ये वायर को होल्ड करने के लिए थोड़ा सा वायर लूज किया और नीचे से इस तरीके से स्क्रू को इसमें भी टाइट कर दिया। नाइक्रोम वायर टाइट हो गया। नाइक्रोम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगी और वो करंट थ्रेड से भी पास होगी, थ्रेड जलेगा उसकी वजह से। और देखिए ये थ्रेड हम बना रहे हैं एक, ये देखिए एक नॉट लगा देनी है आपको। और अब आपको दिखाएंगे आप हम क्रूसिबल, जिस क्रूसिबल के अंदर हमें क्या रखना है, सैंपल रखना है। तो ये सैंपल हम जिस भी सैंपल को हमें डिटरमाइन करना है वो हम लेंगे। ये देखिए उल्टा किया गया और मान के चलिए इसके अंदर आपने वेट करके 1 ग्राम सैंपल लिया, 1 ग्राम, और ये थ्रेड ही उस इग्निशन को वहाँ तक पहुँचाएगा। ये आपने टाइट कर दिया हाथ से, जितना आप टाइट कर सकते हैं टाइट किया आपने। और तो सैंपल आ गया है आपका और थ्रेड लग गया है। ये गैस फिलिंग हो रही है भाई, सैंपल जलेगा तो कैसे जलेगा, कम्बशन होगा तो कम्बशन के लिए ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन गैस के लिए हमने जो देखा था फाइनल आउटलेट जो गैस सिलेंडर से स्टार्ट हुआ था उसको हमने स्पैनर की हेल्प से उसको टाइट कर रहे हैं। तो ये हमने टाइट कर दिया है तो आप वहाँ देखेंगे हम अगर इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ये ऑन करा उन्होंने, बस ये ऑन करेगा। ऑन करने हुए यहाँ 400 की रीडिंग आपको दिखाई जाएगी, 400 की रीडिंग, ये 400 हो जाएगी और ये सेफ्टी वॉल को क्रॉस करते हुए आपके फाइनली बॉम के अंदर आ जाएगी। फिर आप थोड़ी देर बाद इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको एक फिज जैसी आवाज़ आएगी, जो कि एक्सेस ऑक्सीजन जो कि ट्यूब में भरी हुई है वो निकलने की पहचान होगी। और आप इसको उठाएंगे और उठा के इस तरीके से वाटर चैम्बर के अंदर, वाटर बकेट के अंदर, जो कि जगह बनी हुई है स्पेसिफाइड, अंदर एक जगह बनी हुई है, ये देखिए कहीं भी नहीं रखना है, उस पर्टिकुलर उसी सर्कल के अंदर आपको रखना है, वहाँ आपने रख दिया। और फिर पूरा का पूरा प्रोसेस आप रख के बैकलाइट लगा के करेंगे और आप देखेंगे तो शायद अब ग्रीन आ जाएगा, है ना। हाँ अब ग्रीन, तो हम दिखा सकते हैं। तो ये सर्किट कम्प्लीट होगा तो अब देखिए ये दोबारा से ये क्या किया हमने सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग टू दिस टाइप ग्रीन हो गया। देखिए अब अगर हम फायर करेंगे तो ये रेड हो गया, इट मींस कि सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। और इस तरीके से हम कैलोरिक वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी राइज इन टेम्परेचर आएगा वो अपने को ग्राफिक वैल्यू निकालते हैं थ्रू फार्मूलाज। ये सब फार्मूला है, इसमें इक्वेशंस पुट करके कैलकुलेशन करके हम सीवी वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो ये अभी हमने क्या बेंजोइक एसिड की निकाली थी कैलोरिफिक वैल्यू जो कि ऑलरेडी नोन है। तो अभी हम आगे वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए और भी कैलोरिक वैल्यू हम निकालेंगे धीरे धीरे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है।